ताउम्र ये भूल मैं करता रहा, धूल चेहरे पर थी मगर आईना साफ करता रहा। ये कहानी आरसीबी की है, जिन्होंने अपना नाम बेंगलोर से बेंगलुरु तो कर दिया, लेकिन शायद उन्हें लग रहा था कि सारी कृपा जो है वो नाम में ही अटकी पड़ी है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, ये लुरु में कहानी नहीं थी। कहानी ये थी कि बाबू टीम तुम्हारी जो है ना यार, वो मतलब अब शब्द नहीं बचे मेरे पास यार। इस बार विराट कोहली को भी दुख नहीं हो रहा था, बाउंड्री लाइन पर वो ऐसे खड़ा था क्योंकि उसको पता था कि आ गए, वो जो नाना पाटेकर का डायलॉग है, आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। लेकिन वो आरसीबी जिसका हाईएस्ट फैन बेस है, वो आरसीबी जो सबसे क्लासिक टीमों में से एक है, अब उसके नाम दो सबसे शर्मनाक रिकॉर्ड है। एक बल्ले से 49 रन पर ऑल आउट होना और दूसरा 287 रन पिट जाना। मतलब मीम्स की बौछार आ गई है, लोगों ने उड़ाया कि यार आरसीबी टॉस जीती ताकि रन से बेइज्जत हो सके। आरसीबी ने हाईएस्ट 263 रन बनाए अगर उनके बल्लेबाजों की बात की जाए, और उनके गेंदबाजों ने हाईएस्ट 287 पिटाए हैं। फैंस मजाक उड़ा रहे हैं कि इसका मतलब है कि आरसीबी के बॉलर्स ज्यादा टैलेंटेड उनके बल्लेबाजों से, क्योंकि बल्लेबाज तो 263 ही बना पाए, गेंदबाजों ने 287 बनवा दिए। भाई साहब जिस तरह से मार पड़ती इस टीम को यार, अब क्या कहा जाए। टॉपली एक विकेट 68 रन देकर, अभिषेक 64 रन पिटे, फर्ग्यूसन 52 रन पिटे, दयाल 51 पिटे, ये किसी भी टीम के सबसे ज्यादा पिटे पिटाए स्पेल की कहानी है ये। भाई साहब इतना कोई नहीं पिटा है, चार बॉलर 50-60-68 तक पिट गए। मतलब यार आरसीबी क्या कर रही है यार। मतलब एक्चुअली मैं विराट कोहली का दिल से बुरा लगता है, कई बार लगता है कि यार विराट को ये टीम छोड़ देना चाहिए। विराट नहीं मनहूस है, ये टीम ही मनहूस है। विराट अपनी जगह ठीक ठाक करता है बेचारा, वो आज भी आया 200 के ऊपर से स्ट्राइक रेट खेला, लेकिन विराट कोहली का दिल अब एक्चुअली में दुखने लगा, और वैसे ही दिल आरसीबी का दुखने लगा। आरसीबी सबसे ज्यादा पिटी यार, मतलब 287 आप कैसे बनवा सकते। लोएस्ट स्कोर 49 फॉर 10 केकेआर के सामने, हाईएस्ट स्कोर इनका गया। गेंदबाज के नाम पर इनके पास कूड़ा है। हर साल ऐसा लगता है कि आरसीबी चार बल्लेबाजों में इन्वेस्टमेंट करती है, चार में भी इस बार तो मुझे लगता है फाफ डुप्लेसी भी सोच रहे होंगे कि यार अच्छा खासा मैं सीएसके में था, वहां हम जीतते थे, ट्रॉफीज उठाते थे, इज्जत पाते थे, यहां आकर जलील हो रहे हैं। मैक्सवेल तो खेल ही नहीं रहे हैं, सिराज की किस्मत थी कि आज उन्हें ब्रेक दिया गया था, वरना वो भी 60-65-70 तक गए होते। लेकिन ये दो रिकॉर्ड आरसीबीएंस को परेशान करेंगे, क्योंकि बीते कई सालों से विराट ने जब वो रिकॉर्ड बनाया था 263 वाला, तब से आरसीबीएंस अपनी छाती पर तमगा लगाकर घूमते थे कि यार हाईएस्ट रन हमने बनाया, हमने ट्रॉफी नहीं जीती है लेकिन हमारे पास रिकॉर्ड है, हमारा रिकॉर्ड तोड़कर दिखाओ। पहले मुंबई ने तोड़ा, मुंबई के सामने सारे से तोड़ा, तब इन्होंने कहा ठीक है जी मुंबई कमजोर टीम हो गई थी, वहां तोड़ दिया, हमारे सामने तोड़ा। अब एसआरएस ने चिन्ना स्वामी मैकेट को तोड़ा, और उसके लिए ही जिम्मेदार है, इनकी फ्रेंचाइज जिम्मेदार है, इनका मैनेजमेंट जिम्मेदार है। ये जो मीम्स बन रहे हैं ना कि ओनली आरसीबी बॉलर्स कैन मेक 300 प्लस स्कोर इन T20 आईपीएल, वो यही है। आपके पास चहल जैसा गेंदबाज था जिसको आपने रिटेन नहीं किया। हर टीम के पास 100 करोड़ रुपए होते हैं, आपको जानकर हैरानी होगी कि 40 करोड़ के प्लेयर डगआउट ने बिठा रखे हैं। 17 करोड़ में कैमरन ग्रीन खरीदा, डगआउट ने बैठा है। 11 करोड़ में अल्जारी जोसेफ खरीदा, डगआउट ने बैठा है। भाई अगर डगआउट में बिठाना था तो खरीदा क्यों, तो या तो अब गलत हो या तब गलत थे। 40 करोड़ का प्लेयर डगआउट में बैठा है, क्यों बैठा है पता नहीं। मीम्स की बौछार भरी पड़ी है, लोग मीम बना रहे हैं कि यार एस्ट्रोलॉजर्स हैव कंफर्म्ड देयर इज नो प्रॉब्लम इन आरसीबी'स प्लैनेट बट देयर एंटायर सोलर सिस्टम इज मूविंग रॉन्ग। इससे ज्यादा क्या मजाक उड़ेगा यार। आरसीबी की बॉलिंग आप देखिए, पावर प्ले में आरसीबी गेंदबाज 252 गेंद डाल चुके हैं जिसमें 443 रन पिटे, 4 विकेट केवल मिले, 10.5 इकोनॉमी, 27 छक्के खा चुके हैं, इससे ज्यादा क्या होगा। मतलब वो शेर याद आता है मुझे कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा मगर जरा कम निकले। मार मार के सारे शून्य धागा खोल दिया। 7 ओवर में 100 रन, 15 ओवर में 200 रन, 20 ओवर में 287 रन, आखिरी 5 ओवर में 87 रन ठोक डाले। एसआरएच ने 23 छक्के मारे 23 सिक्सेस, खुद का रिकॉर्ड तोड़ा। मुंबई में 17 छक्के पड़े थे, 23 छक्का पड़ा इनको। आरसीबी आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा रन देने वाली टीम, सबसे लोवेस्ट स्कोर बनाने वाली टीम, सबसे ज्यादा छक्के खाने वाली टीम बन गई है और सबसे ज्यादा छक्के पिटने वाली टीम बन गई है। क्या किया जाए बताया, आप खुद सोचे ना यार क्या करे कोई टीम यार। मतलब एसआरएच ने रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड ठोक दिया, एसआरएच अलग लेवल पे खेल रही है।
ये जो एसआरएच की टीम है ये लोग आरसीबी से एक्सपेक्ट करते थे। बल्लेबाज भी देखिए, शुरू में तो फिर भी पावर प्ले में थोड़ा बहुत खेला, विराट का विकेट गिरा, फाफ का गिरा, बाकी टीम ताश के पत्तों की तरह। थैंक यू। आई मीन अगेन वही कहानी है कि धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करता रहा। नाम बेंगलुरु करने से कहानी नहीं होती है, कहानी बदलेगी टीम को ऑक्शन टेबल में। अभी भी वक्त है, सुधर जाइए आरसीबीएंस, प्लीज मैनेजमेंट आप जाइए ऑक्शन में, तमीज की टीम खरीदिए। ये सारी टीम जो है विराट के अलावा इसको थैंक यू बोलिए, एक तमीज की टीम बनाइए, उस तमीज की टीम में कुछ अच्छे इंडियन प्लेयर्स को डालिए, नए लड़कों को मौका दीजिए। आपकी टीम में एक लड़का इंडियन नहीं है जिसने 1000 रन बनाए हो आईपीएल में आपके अलावा, विराट के अलावा, एंड दैट डिफाइंस कि आपने कैसे प्लेयर निकाले। आज तक आरसीबी से खाली एक या दो खिलाड़ी निकले विराट के अलावा, एक मोहम्मद सिराज, एक चहल को कह सकते थे लेकिन उसको भी आप लोग खा गए, रिटेन नहीं किया। अच्छा खासा राजस्थान से गेंदबाजी कर रहा, पर्पल कैप होल्डर बना बैठा है, क्यों आपको रिटेन करना है? एक बॉलर आप नहीं बना पाए, दैट्स शेमफुल। बड़े बेआबरू होकर तेरे कुछ से आप निकले, बड़े निकले अरमा मगर आरसीबी के साथ आप निकले। सच में आपने अच्छी खासी टीम को हार सी भी बना दिया।